हेलो एवरीबॉडी, काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 6-7 महीने और मैंने एक भी वीडियोस नहीं बनाई। तो फाइनली आई गेट बैक टू माय वर्क और अब मैं फिर से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आ चुका हूँ राष्ट्रीय दलित स्मारक में, जो कि दिल्ली और नोएडा के बीच वाले एरिया में है, जिसे मायावती जी ने बनवाया था 2011 में। तो ये बहुत बड़ा पार्क है, प्लस मॉन्यूमेंट टाइप का भी है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, एलिफेंट हैं ज़्यादातर। ये मॉन्यूमेंट है, इसमें हाथी बने हुए हैं, ऊपर भी हाथी, ऊपर हाथी, एवरीवेयर आई सी हाथी हाथी। तो अब मैं आपको मॉन्यूमेंट का और हिस्सा दिखाऊंगा। काफ़ी बड़ी एरिया में ये मॉन्यूमेंट है। अगर मैं टिकट की बात करूं तो इधर की टिकट 15 रुपीज़ की थी और पार्किंग का भी कुछ नहीं था। हालांकि बाइक पार्किंग एक साइड में अंदर की तरफ रखी है, तो इट सीम्स प्रोटेक्टेड। यह मैं एक साइड आ चुका हूं जहां पर पूरा जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल। तो गाइज, मेरे को करीबन 10 मिनट हो चुके हैं वॉक करते करते और ये और भी लंबा रास्ता है। तो इट्स लाइक वैष्णो देवी पर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पर भी आपको वॉक करना पड़ेगा। अभी नया मॉन्यूमेंट आने वाला है और काफ़ी देर से मैं वॉक कर रहा हूँ, हल्का थक भी गया हूँ। बट इफ़ यू कम टू सच प्लेस एंड यू एंजॉय बीइंग विद योरसेल्फ, इट्स अ वर्थ थिंग टू मूव ऑन एंड वेरी एक्साइटेड टू सी सम न्यू मॉन्यूमेंट। गाइज, आप सभी ने देखा राष्ट्रीय दलित स्मारक एंड द ग्रीन गार्डन। ये दलित पीपल के इंस्पिरेशन के लिए बनाया गया था बाय श्री मायावती जी और काफ़ी बड़े एरिया में एस्टैब्लिश्ड है, नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में, दैट मीन्स। और यू कैन हैव अ रियली गुड टाइम हियर, यू कैन कम अप विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिकट वगैरह का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जस्ट ₹15। सो कम एंजॉय एंड हैव अ ग्रेट टाइम। Take care. Jai Hind.